हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के बारे में कि अगर आपकी गाड़ी का टायर कहीं भी पंचर हो जाता है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, आपको टायर स्टेपनी चेंज करनी है, तो अपना टायर आप चेंज कैसे करें। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि 5 मिनट में गाड़ी का टायर चेंज करें, 7 मिनट में, 10 मिनट में। तो गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं जो लोग अक्सर चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, जिनको ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, तो उनको अपना टाइम जितना लगता है उतना ही लगेगा। तो 5 मिनट या 10 मिनट पे आप ना जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो गाड़ी में और भी दिक्कतें आपको आ सकती है, जेक निकल जाएगा, फिसल जाएगा, कोई भी समस्या आपको आ। जो भी काम करें आप आराम से करें। और दूसरी बात, कहीं भी गाड़ी पंचर हो जाती है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फ्लैट सरफेस मिले, तो उसके लिए भी मैं आपको गाड़ी को ऐसी पोजिशन में खड़ी करके दिखा रहा हूँ जहाँ पर फ्लैट सरफेस नहीं है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे टायर चेंज करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी अभी बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं दिखाई देगा आपको, कि फ्लैट सरफेस पे खड़ी हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी आ सकती है। तो वैसे तो हम अगर ज़्यादा टायर पिचका हुआ नहीं है या बिल्कुल चिपक नहीं गया है तो हम गाड़ी को फ्लैट सरफेस पे लेके जा सकते हैं, लेकिन कई बार कंडीशन नहीं होती है कि हम उसको फ्लैट सरफेस पे लेके जा सकें, तो वहीं के वहीं हमें चेंज करनी पड़ती है। तो जैसा कि अभी मैंने इसका कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया है कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जो गाड़ी की डिग्गी है वहाँ से आपको इस तरीके से आपको टूल्स मिलेंगे, तो इस तरीके से आप टूल्स वहाँ पर निकाल लें, और उसके अंदर एक आपको जैक दिखेगा ये, और दूसरा आपको ये, और तीसरा ये आइटम आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों आइटम की, एक जैक और इन तीनों आइटम की हमें ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कभी भी सबसे पहले आप बिना हैंड ब्रेक को टाइट किए आप कभी भी गाड़ी के टायर को चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको अपना हैंड ब्रेक टाइट कर देना है, हैंड ब्रेक जो कि आपको पता है यहाँ पर है। दूसरी बात, आप बाद में उन काम को स्टार्ट करें, जैक वगैरह को आप पहले न लगाएं। आप सबसे पहले यही गलती करते हैं कि आप जैक लगा देते हैं, बाद में आप इनके जो बोल्ट हैं इनको लूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, ना जैक को यूज करना है, हमें ये आइटम को यहाँ पे यूज करना है, और सबसे पहले हमें एंटी क्लॉकवाइज आपका ये खुलेगा। तो सबसे पहले आप इसको रिमूव कर, इसको लूज कर लें जिस तरीके से आपको दिख रहा है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, मतलब उस डायरेक्शन से उल्टी साइड में होगा, सीधी साइड में जैसे क्लॉक घूमती है, क्लॉक जिस साइड घूमेगी उस साइड टाइट होगा, और क्लॉक के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में ये लूज होंगे। तो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है इतना आपको इसको लूज कर लेना है, जैसे आप हाथ से इन बोल्ट को रिमूव कर सकें या लूज कर सकें उतना आपको चारों बोल्ट आपके लूज कर लेना है। और फिर हर एक कार के अंदर हमेशा एक चीज़ होती है जो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आप जैक लगा सकते हैं। तो सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा कि जैक लगाने का, मैं आपको जगह बता देता हूँ कि कौन सी जगह आप जैक लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी, ये कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की, मारुति सुजुकी गाड़ी है, इसके अंदर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये, यहाँ पर आपको अपना जैक लगाना है। तो जैक आप यहाँ से लीजिए और इसको इतना हाथ से ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जितना आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये है, ये नीचे है, तो आप इसको जैसा ये नॉर्मली है इतना आप इसको अपने हाथ से ही ऊपर कर लें। तो हाथ से ऊपर करने के लिए, हाथ से ऊपर करने के बाद आपको जस्ट ये इस जगह पे लगाना है और फिर इसको थोड़ा सा टाइट करना है। जब ये टाइट हो जाए हाथ से अच्छी तरीके से, तब फिर आपको नेक्स्ट स्टेप यूज करना है। अब कई बार क्या होता है कि जो फ्लैट सरफेस है ज़मीन का और गाड़ी का, इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, तो फिर आपको जैक ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तो आपको जैक चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ कि आप कोई भी ऐसा पत्थर लें बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाला चौड़ा, ताकि आप जैक को उस पर रखें और फिर आप इसको जैक को चढ़ाएं, तो आपको थोड़ा कम जैक को ज़्यादा ऊंचा चढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ एक इसका यूज करना है, ये आपको यहाँ पे फंसाना है, और ये जो इसके अंदर आपको होल दिखाई दे रहा है वो आपको इसके अंदर लगाना है, आप देख पा रहे होंगे। फिर आपको दोनों हाथों से इसको ऐसे
अब मैं एक हाथ में मोबाइल है तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको घुमाना है। और ये किस तरफ घूमेगा, ये घूमेगा जैसे क्लॉक क्लॉक घूमती है उसी तरीके से ये आपको घुमाना है। तो ऐसे करते हुए आप इसको बिल्कुल इतना कर दो कि टायर जो है वो सरफेस एरिया से नीचे ज़मीन से वो फ्री हो जाए। तो मैं पहले आपको कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसा आपको नज़र आ रहा होगा कि लगभग ये टायर ज़मीन से थोड़ा सा, अभी ये टायर पंचर नहीं है इस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा है कि वो ज़मीन के टच है, लेकिन जैसे ही आपका टायर होगा जो पंचर टायर होगा वो लगभग ज़मीन से हट जाएगा। इतना आपको जैक चढ़ा देना है। तो इतना जैक चढ़ाने के बाद फिर जैसा कि हमने पहले ही बोल्ट्स को लूज कर लिया था तो हम उनको केवल हाथ से ही रिमूव कर सकते हैं, हमें फिर दोबारा से किसी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं एक बार, ये थोड़ा सा टाइट रह गया तो इसको मैं लूज कर लेता हूँ। तो अब ये चारों बोल्ट हमने यहाँ पे लूज कर लिए हैं। अब ये टायर आपका आराम से यहाँ से निकल जाएगा। देखो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टायर को एक तरफ रख देना है आपका जो पंचर टायर है, फिर आपको बूट के अंदर से एक आपको नया टायर निकालना है, अपने बूट में से टायर निकालें। हाँ, तो जैसे ही आप अपनी बूट में से अपना टायर निकाल लेंगे तो अपना टायर निकाल के जो अच्छा वाला टायर है आपको यहाँ पे वापस से उसको सेम टू सेम जगह पे लेके आना है और इन्हीं चार बोल्ट्स के अंदर आपको इसको वापस फिक्स कर देना है। तो फिक्स करने के बाद इस तरीके से आपको फिक्स कर देना है और फिक्स करने के बाद अपने चारों बोल्ट पहले हाथ से ही आपको उतने टाइट करने हैं जितने टाइट हो सकते हैं हाथ से। तो जितना आप अपने हाथ से टाइट कर सकते हैं आप इन चारों बोल्टों को उतना अपने हाथ से टाइट कर दें। और टाइट करने के बाद आप सिंपली क्या करें, देखो ये बिल्कुल टाइट हो गए हैं अपने हाथ से जितना हम कर सकते थे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वापस से इस जैक को हटाना है। तो आप इसको बिल्कुल नीचे उतार लीजिए कंप्लीट। तो एक बार जब ये आप जितना आप हाथ से टाइट कर सकते थे आपने इन बोल्ट को हाथ से टाइट कर दिया, उसके बाद हमने जैक उतार लिया है। देखो बिल्कुल नीचे ये बिल्कुल ढीला हो गया, इसको निकाल लेंगे हम बाद में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे क्लॉकवाइज आपको ये बोल्ट टाइट होने, एंटी क्लॉकवाइज हमने बोल्ट्स को रिमूव किया था, लूज किया था, और अब हम क्लॉकवाइज इसको टाइट करेंगे। और टाइट करने के लिए आप जस्ट केवल हैंड का इस्तेमाल कीजिए, मतलब जैसे हमने पहले पेड़ से प्रेशर लगा के पहले अपने बोल्ट्स को लूज किया था, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइट हो जाते हैं जब गाड़ी चलती है तो आप पैर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जब आप टायर के बोल्ट्स वापस टाइट कर रहे हैं तो फिर आपको पैर का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हाफ से भी जितना टाइट करेंगे बोल्ट उतने टाइट अच्छे से इसके अंदर हो जाएंगे। क्योंकि फिर जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी आगे की ओर चलती है और बोल्ट हम इस साइड में से क्लॉकवाइज हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो जितना आप हाथ से कर सकें आप उतना ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं कि आपको वापस पैर का यूज करते हुए आप ज़्यादा बोल्ट को टाइट कर दें, तो वहाँ पे फिर आपको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है उसको इतना। तो आप नॉर्मली हाथ से इतना टाइट कर सकते हैं। तो ये तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं, आप अपने कार का टायर बिल्कुल आराम से चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा आपको इतना जल्दबाजी लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दबाजी करें इस काम के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल आराम से किया हुआ काम है। और जल्दबाजी करेंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेगी जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। और इसीलिए अब जल्दबाजी करके आप फटाफट अपना ये हिट द बेल आइकन और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी कोई और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।